हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और आज के हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक बुक, जो कि आपके एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित रहेंगे, क्योंकि इससे भी आपके प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ऑप्शन आपके सामने है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वात्स्यायन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश के जो लेखक हैं वे हैं नारायण पंडित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी या शाहजहां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। कालिदास की जो रचना नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन है रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मुद्रा राक्षस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास नहीं है, बल्कि मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। और रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, नारदमुनि, दंडीमुनि या व्यास मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता थे ऑप्शन नंबर डी, व्यास मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजतंगड़ी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? और ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। राजतरंगड़ी जो पुस्तक है इसके लेखक कल्हण है, और इससे जिस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। यह कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा? जबुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा या गुलबदन बेगम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं नामा पुस्तक के जो लेखक लेखिका हैं वे हैं गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या शूद्रक। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भवभूति जो हैं वे रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएँ हैं? ये तीनों रचनाएँ बतानी है आपको, किसकी है? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम जी। ऑप्शन है कालिदास, विष्णु शर्मा, कोटिल या भारद्वाज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। इसकी सारी कालिदास, ऋतु संगा, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम की रचनाकार है। और विष्णु शर्मा और कोटिल, कोटिल की जो रचना है वह है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि नागदर्शन प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन की, बाणभट्ट की, कौटिल्य की या भारद्वाज की। और इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, नागनंदन, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और जो बाणभट्ट थे वे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सेलुकस, चंद्रगुप्त या मेगस्थनीज। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक आप लोग को पता होना चाहिए चाणक्य थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, और मेगस्थनीज की पुस्तक नाम था इंडिका था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि हस्तचलित के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हरिशयन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास। हस्तचलित के जो लेखक थे वे थे ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मेगास्थनीज, टॉलमी, चंद्रगुप्त या जास्टिन। इंडिका के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वे हैं ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, दरबार में राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन बिला और न्यू इंडिया किसकी रचनाएँ हैं? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या सरोजिनी नायडू। तो कॉमन विला और न्यू इंडिया जो रचना है वे एनी बेसेंट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि,
पाणिनि, कुटिल या भारद्वाज। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छ कटिकम या मेघदूत। तो कालिदास द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वह है ऑप्शन नंबर सी, मृच्छ कटिकम। संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला संबंधित है, विधि संबंधित है, राजनीति से या चिकित्सा संबंधित है? तो जो चरक संहिता पुस्तक है वे चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि जायसी या निराला। तो पद्मावती के लेखक जो हैं या पद्मावत भी लिखा जाता है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जायसी। जायसी औरंगजेब के साथ उसके साथ युद्ध में गए थे और जो वहाँ युद्ध में उसने जो देखा उसका विवरण उसने पद्मावत में लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि काव्यदश नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन मामहा, मम्मट, भरतमुनि या डंडी द्वारा। तो काव्यदास के जो रचनाकार हैं वे ऑप्शन नंबर फोर, डंडी है।